अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, क्या बात है, आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? थकी हुई? अपने लाडले की शादी की तैयारी में दिन रात लगी हूँ मैं। थकूंगी नहीं क्या? मैं तो चाहती हूँ कि सब एकदम ना 100% हो जाए। माँ माँ, 100 का 10% भी होगा ना तो चलेगा मुझे, पर आप ऐसे थक जाओ ये नहीं चलेगा। हाँ बस अब तेरी बहू आ जाए ना, फिर मैं आराम करूंगी। इतना बड़ा हो गया इतना भी नहीं समझता है? अरे मैं कहाँ बड़ा हुआ, मैं तो छोटा ही हूँ, हमेशा आपका छोटा सा बच्चा ही लाऊंगा। हाँ, पर पते की बात तो ये है कि छोटे से बच्चे ने ना माँ के दिल की सारी जगह छीन के बैठा हुआ है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, पर माँ के दिल में उनके लिए जगह हमेशा बनी रहती है। सुन रहा है लड्डू, माँ के दिल में सबके लिए जगह है। अरे हाँ, मैं बस अभी आया। इतनी प्यारी लग रही है मेरी छोटी सी बहन। पायल जल्दी रेडी हो जा, पंडित जी ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। सात जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे अरे जरा देखे तुम। हाँ मैं ओफो। रास्ते में आ रही हो मेरे। अच्छा ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ ना। हाँ ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स। ऑन द काउंट ऑफ थ्री मैं राइट जाऊंगा तुम लेफ्ट। ओके 1 2 3 मैं जाऊं। वैसे वेद जी मैं आपके और पायल के लिए बहुत खुश हूँ आज, अपने घर में पूरी शादी का आयोजन करने के लिए थैंक्स। माय प्लेजर। वैसे पायल रेडी हुई है? नहीं। हाँ हाँ, वो भी आपके जितनी उतावली है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट तुम्हें भी। मुझे किस लिए? भूल गई, IAS के एग्जाम के लिए। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि तुम्हारे एंट्रेंस में अच्छे खासे मार्क्स आए। वैसे असली परीक्षा तो आपकी है आज। अच्छा, पढ़ाई का जमाना ही नहीं रहा, गलती हो गई ऑल द बेस्ट बोल के। खुश रहो बेटा। ये क्या वेद जी, आपने तो बड़ी आसानी से टीका लगवा लिया, अब लगता है जूते चुराने में मुश्किल नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जूते ले लो। दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखो, सर सर होता है, पैर पैर होता है, और बड़ों के सामने सर आसानी से झुक जाता है, पर छोटों के लिए जूते भी पैर से आसानी से नहीं उतरते, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। देख लेंगे। आओ बेटा, आओ बेटा। माँ
हाँ? क्या हुआ बेटा? माँ थैंक यू। किस लिए? मेरे प्यार से मेरी शादी हो रही है, उसके लिए। तू खुश रहे बस। कन्या को मंडप में बुलाइए। जी पंडित जी, अभी बुलाकर लाती हूँ। जा जल्दी जा। पायल कटे? दीदी अकेली क्यों दिख रही है? मने कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई फूटेगा मुझसे हो खाई रही है। कटे गई पायल? विधि पायल कटे? ये चिट्ठी? क्या मैंने बहुत सोचा दीदू, और फिर ये डिसाइड किया कि शादी तो कभी भी हो सकती है, पर हीरोइन बनने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है दीदू, हजार बार सोचा, हजार बार खुद को समझाने की कोशिश की, पर दिल ने दिमाग की नहीं सुनी। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, माँ से कहना मुझे माफ करे।
बंद कीजिए अपना डिरामा, मजाक लगा रखा आप लोगों ने। जो नहीं सोचो तो वही हो गयो देवरसा। लड़की थारे मुंह पे थप्पड़ मार के भागी। घड़ा प्रेम करो ना आप पायल से जे, जे थारे प्रेम की कदर। अरे उसको तो शादी करनी ही नहीं थी। ये तो सब हमारे मुंह पे कालिक पोतने की कोशिश थी। सही कहा है किसी ने, गधी के दूध से घी बने कोनी। अरे छोटी घर की लड़की से और उम्मीद में क्या कर सकते हैं। हीरोइन बनने भाग गई। अरे जब फिल्मों में नचनिया बनने का इतना ही शौक था तो मारे देवरसा से शादी के लिए हाथ खींच दियो मंडप में छोड़ के जाने के लिए। कोठारी परिवार का नाम मट्टी में मिलागी। लड्डू, लड्डू मेरी बात सुन। लड्डू, लड्डू सुन तो। रुक जा लड्डू, लड्डू, लड्डू। ये मरती भाभी के दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं इन्हीं का प्लान तो नहीं ये सब अपनी बहन रबड़ी की शादी वेद से करने के लिए? सूरजमुखी देवी, ये संस्कार है थारी लड़की के? अरे भले घर की छोरिया ऐसा कांड करे कोनी, पर भला घर समझने की गलती भी तो हमसे ही हुई है ना। थारी दोनों छोरियों में खोट निकली सूरजमुखी देवी। एक के पैर में, एक के चरित्र में। प्लीज भगवान के लिए बस कीजिए, मेरी माँ की तबीयत। सारी तो माँ की तबीयत ही बिगड़ी है, हमारे परिवार की इज्जत का तो जनाजा उठ गया। माँ जी साहब, हमारा परिवार किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हो तू। तू रिश्ता लाई थी ना अपनी बहन का? तूने कहा था ना कि पायल राजी हो गई है ब्याह करने के लिए। मने तो लगे कि ये थारी कोई चाल है अपना बदला निकालने के लिए। घनी शरीफ बने ना तू, ये थारी शराफत। शांत हो जाए, इसमें विधि की गलती कोनी? नहीं सूरजमुखी जी, इसमें विधि की गलती कोनी। गलती तो हमारी है कि हमने आप जैसों के घर में हमारे छोरे का रिश्ता जोड़ा, और उस गलती की भरपाई भी हमो ही करनी पड़ेगी। लड्डू, लड्डू, जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है दीदू। हजार बार खुद को समझाने की कोशिश की पर दिल ने दिमाग की नहीं सुनी। मैं जा रही हूँ। लड्डू, लड्डू दरवाजा खोल।
प्लीज दरवाजा खोल, मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई। ये पायल थारी पायल के वास्ते? गृह प्रवेश होने से पहले उसको पहनाऊंगा ताकि इसकी छन छन की आवाज पूरे घर में खन खन होती रहे। लड्डू, आई हेट यू पायल, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। हाँ चलिए अंदर चलते। हाँ जाओ जाओ, भागना तो आदत है ना धारी, भगोड़ापन धारे खून में। बाप भाग गया साधु बनने, बहन भाग गया हीरोइन बनने। खानदानी बीमारी है इन लोगों की, बाकी तो थे आने हो। बस करो बड़ी बहू, कितना तमाशा करोगी तुम? माजी से तमाशा मैं नहीं करूं। ये छोटे लोग हैं, इनकी तो कोई इज्जत को नहीं, इज्जत तो कोठारी परिवार की है ना माजी सा। चक्कू खरबूजे पे गिरे तो खरबूजे का नाथ होवे, और अगर खरबूजा चक्कू पे गिरे ना तो भी खरबूजे का ही नाथ होवे। इमरती चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाओ माजी सा, कैसे चुप हो जाओ माजी सा? लोग उंगलियां उठावेंगे माजी सा हम पे, बोलेंगे कोठारी परिवार के छोरे में कोई कमी रही होगी, तभी मंडप में छोरी छोड़ के भाग गई। सिर उठा के चलना दुबर हो जाएगा माजी सा। किस किस को पकड़ के बोलेंगे कि गलती हमारे छोरे की कोनी, बल्कि इनकी आवारा बच्चना लड़की हीरोइन बनने चली गई। और अब देखो कैसे बेशरम जैसे यहां खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। दिव्या तू भी कुछ कर। हाँ मम्मी जी, आज तो ना मैं भी बड़ी भाभी की बात से सहमत हूँ। देखिए ना मम्मी जी, कीचड़ तो हमारे खानदान पे उछलेगा ना, बदनामी तो हमारे खानदान की हुई है ना, इन छोटे लोगों को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। माँ! थारी तो इज्जत कोनी, कोठारी परिवार की तो है, कोठारी परिवार। प्रतिभा मसाले वाले अब क्या मिर्ची भोंकले अपनी आग में? बस बहुत हो चुका। अरे लड़की भाग गई, चालू निकली लड़की, मौका पाते ही भाग गई। परिवार वाले तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कोठारी परिवार की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई, अब क्या होगा देखते अब इनके घर का तमाशा। सुंदर लखन, मेहमानों को खाने की जगह पर ले जाओ। आइए आप सब। कितना कुछ कह डाला तुमने सबके सामने, कैसी कैसी बातें भर दी तुमने सबके दिमाग में तुम्हारे इस हंगामे ने। जो बात दब सकती थी तुमने उसका बवाल बना दिया। क्यों किया तुमने ये सब तमाशा? अजी सर, तमाशा मैंने किया कोनी, तमाशा तो उन लड़की वालों ने किया। आज चार लोग हंस रहे हम पे, कल दस लोग हंसेंगे माजी सर। इमरती, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। बल्कि ये सोचने का है कि इस मुश्किल का हल कैसे निकल सकता है। ऐसे में अगर देवर सा का ब्याह हो तो वो बात बने, पर देवर सा से ब्याह करेगा कौन? को बुरा लगेगा माजी सा, पर मनने लगे है कि ऐसे वक्त में सिर्फ मारी बेन है जो देवर सा से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी।
एक वही है जो हमारी परिवार की इज्जत को बचा सके। वो एक खानदानी लड़की है। अब बस हाँ बोलो, एक फोन लगाऊंगी, दुल्हन का जोड़ा पहन के आ जाएगी। वाह 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 वाह, हाँ आपकी रबड़ी। मम्मी जी, वैसे तो अगर मैं अपनी बहन पूजा को बोलूँ ना तो वो भागे भागे चली आएगी वेद से शादी करने के लिए। और मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना कि मेरा घराना कितना बड़ा है, और मेरी पूजा तो वेद के लेवल की है, सोफिस्टिकेटेड है। क्या मैचिंग है दोनों की, इनकी बहन रबड़ी की तरह थोड़ी ना, कोई मैचिंग ही नहीं है। और मम्मी जी, आफ्टर ऑल इस घर की इज्जत तो मेरी इज्जत है ना, इसीलिए मैं अपनी बहन पूजा और मम्मी को राजी करूंगी ना तो वो तुरंत मान जाएगी, बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। आप बस हाँ कह दीजिए मम्मी जी। आंटी, वो कमरे का दरवाजा बाहर से खोल सकता है क्या? माँ ने अपने आप को बंद कर दिया है।